कैनरा बैंक का 11,000 शेयर्स है 115 के प्राइस में, तो उसको मैं 1-2 साल तक होल्ड कर सकता हूं और ऐड करूं क्या ये भाव में? क्या करना है मुझे? मुझे जब तक 300-400 नहीं आएगा तब तक बेचना ही नहीं है स्टॉक। ठीक है, वैसे तो कैनरा बैंक पे हमारे एक्सपर्ट का एक पॉजिटिव नजरिया रहा है, लेकिन जिस लेवल पे आपने खरीदारी की है थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, शेयरों की क्वांटिटी भी एक्चुअली मैं 122 से खरीदते। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। स्नेहा, थोड़ा लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है, जरा बताइए कैनरा बैंक पे क्या राय आपकी बनती है, ऊपरी स्तरों से खरीदारी इनकी है? क्योंकि शेयरों की क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए जो घाटा है उसका भार भी ज्यादा दिखता हुआ। प्रशांत जी, अगर आप देखें काउंटर पिछले 3-4 दिन हो गए हैं, ये कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और आई थिंक यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 104 ये लेवल्स जो हमने दिखा है रिसेंटली, लोज जो गए थे 104 का, वो एक स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए। बट अगर उनका ओवरऑल व्यू थोड़ा सा लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव है तो मेरा मानना है करके कि पॉसिबिलिटी ये है करके कि अगर मार्केट में यहाँ से और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है तो ये काउंटर 93-94 ये लेवल्स भी दिखा दे, तो अगर उनको एवरेजिंग करनी है और क्वांटिटी बाय करना है तो आई वुड से करके कि अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें, और नीचे आता है तब बाय कर सकते हैं। 95-94 ये काफी अच्छा लेवल रहेगा टू एंटर, और इसके बाद फिर बाद में एक बार रिव्यू करें। अपसाइड में अगर ये काउंटर आपको एक स्ट्रेंथ दिखा के 110-112 के ऊपर चला जाता है अभी ही रिसेंटली, तो पॉसिबिलिटी करके कि इसमें जो पेन था वो थोड़ा सा थम जाएगा और पॉसिबिलिटी की अपसाइड की मूव देखें, तो अपसाइड में आपको 112-110 का लेवल वॉचआउट करना है, और नीचे में अगर 104 के नीचे जाता है तो 94-95 ये लेवल्स पॉसिबल है जहां पे आप एवरेजिंग या और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं।